of you. My name is Pooja Rawat, and in this session, we'll be talking about if it is the right time to start your preparation for NABARD Grade A 2022. Alright, so in the previous session, we've already discussed that there's a gap of around 3 to 4 months between the result and the upcoming notification. So, हमने 3-4 साल का जो scenario है, trend है, वो study किया था है, and we've come to the conclusion that there's a gap of around 3-4 months between the result declaration and the upcoming notification. So we're expecting that this year's notification might come in the month of August. Alright, so we have a time of around 3.5 months. Alright, now the question is ki preparation kab shuru karni chahiye? Is it the right time? So I must tell you that there could be no right time to start the preparation. Alright, have to know the structure of the exam. Alright, kis tarike ka hota hai? To 3 phases mein hoga. You have your phase 1, then you have phase 2, mains, and then you have the interview. Alright, so phase 1 mein aapke hai 8 sections. You have 8 sections in the phase 1. So you have your general awareness, then you have your economic and social issues, then you have your agriculture and rural development, then you have your quant, you have reasoning, you have English, then you have computer awareness, and then you also have decision making, जो कि last year ही introduce हुआ था, ठीक है, तो काफी कुछ है पढ़ने को, alright, then phase 2 की बात करें, तो आपको ARD descriptive है, जिसमें कि descriptive questions आएंगे, subjective questions आएंगे, you have to write answers in that, right, then आपका ESI का paper होगा, that is objective, then you have English, that would be descriptive, right, and then you will have the interview. So, अब प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? इतना मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि कौन-कौन से पेपर हैं, कितने फेजेस में ये एग्जाम जो है वो कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, तो यू हैव 3 phases. ऑलराइट, सो आई गेस आपको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि यू हैव अ लॉट टू स्टडी, देयर इज अ मल्टीपल सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट. एंड प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, सो यू हैव 8 sections एंड दैट इज ओनली क्वालिफाइंग. यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, ठीक है, एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, यू हार्डली गेट 1 month टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो उतने कम समय में डिस्क्रिप्टिव पार्ट को प्रिपेयर करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल. ऑलराइट, क्योंकि आपको क्या होगा, आपको स्टैटिक भी प्रिपेयर करना है एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर द डायनामिक पोर्शन. सिमिलरली इन द प्रीलिम्स एग्जाम ऑल्सो आपको क्या होना था, आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना होता है एंड आपको स्टैटिक पोर्शन भी प्रिपेयर करना होगा. फॉर एग्जांपल एआरडी में देखिए तो एआरडी में यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन एंड देन यू विल आल्सो गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द डायनामिक पोर्शन. फॉर एग्जांपल द रिपोर्ट्स, द सर्वेज, द करंट अफेयर्स, राइट, द रीसेंट पोर्टल्स और जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, अपडेट हो रही हैं, उन सभी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो ईएसआई में भी सिमिलर आपका सेम कंडीशन रहती है, उसमें आपको बहुत सारी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए, पोर्टल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट. एंड देन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो है ही उसके बाद. एंड देन लास्ट ईयर दे आल्सो इंट्रोड्यूस दिस डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन, तो दैट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. इतना डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया. अब अगर हम मेन्स की बात करें, एआरडी डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या था, स्टैटिक पोर्शन भी आया था, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन आया था. दे आस्क्ड अबाउट दी ड्रिप इरिगेशन, दे आल्सो आस्क्ड अबाउट दी क्रॉस ब्रीडिंग एंड देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर देखें, दैट इज नॉट टोटली स्टैटिक, आई वुड से, ठीक है, तो स्टैटिक है. अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आप पढ़ सकते हो, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ सकते हो, डिफरेंट सब्सिडीज के बारे में पढ़ सकते हो, बट देन यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ डायनामिक पार्ट, ठीक है, करंट इश्यूज क्या हैं, किन केसेस में इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए. तो देयर इज अ लॉट टू प्रिपेयर और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं प्रिपरेशन के, राइट. सो यू हैव टू प्रिपेयर मल्टीपल वेज, मल्टीपल फेसेस हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं दैट यू नीड टू कवर. एंड जितना आप डिले करते जाएंगे प्रिपरेशन को, उतने ज़्यादा एंजाइटी आप, उतने ज़्यादा एंशियस फील करेंगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, है ना. लेटर ऑन अगर आप देखें नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, 1 month का टाइम बचता है, उस टाइम पे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, कहाँ से आप स्टैटिक पढ़ेंगे, कहाँ से आप डायनामिक पोर्शन पढ़ेंगे, कहाँ से करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए,
इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू सॉर्ट दिस क्वेश्चंस आउट. ऑलराइट, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करें एंड देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ऑलराइट, सो इन सभी प्रॉब्लम्स से अगर आपको छुटकारा चाहिए देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ. ऑलराइट, and I know there are a lot of students who do not have any agriculture background, right? So in the next session I'll be talking about all those students who have actually cleared this examination without having any agriculture background, right? So I'll be talking on that issue in the next session. All right, I guess is session mein aapko itna to clear ho gaya hai ki these 3.5 months are very very crucial for you guys. And you don't have to delay this. You have to make maximum utilization of this time. You have to start your preparation right now. Please, please, please start your preparation right now. And in case you have any queries, do post it down. I'll be more than happy to help you out. All right. So I'll see you in the next session. Till then, keep working hard and keep smiling. Goodbye.